नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा RET 2021 की अस्थायी वरीयता सूची एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें न्यूज सेक्शन के अंतर्गत रीड मोर दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। सत्रह दिसंबर 2021 प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ RET फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। शोध पात्रता परीक्षा RET 2021 की अस्थायी वरीयता सूची बाबत। विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा RET 2021 की अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, शोध पात्रता परीक्षा RET 2021 में चयन पूर्णतः लिखित परीक्षा एवं बोनस अंक जिसमें GRF, NET, SET, MPhil के आधार पर ही होगा। तो यह स्पष्ट किया गया है, जो अंतिम वरीयता सूची तैयार की गई है उसमें लिखित परीक्षा के अंक और बोनस अंक को जोड़कर फिर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अस्थायी वरीयता सूची में विषयवार कुल सीटों के 3 गुना अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम चयन की निम्नानुसार सूची जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अंतिम जो चयन सूची है वो जारी की जाएगी। फिलहाल अभी विषयवार कुल सीटों के 3 गुना जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया गया है। संलग्न अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वह स्वयं दिनांक 18 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक साय 5 बजे तक 35 मूल दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के साथ आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2021 साय 5 बजे के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 18 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है, यदि इस अस्थायी वरीयता सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होने की स्थिति में। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा की दिनांक 29/8/2021 तक GRF, नेट, सेट, MPhil की योग्यता प्राप्त कर ली है, यहाँ डेट का में विशेष ध्यान रखना है, 29/8/2021 तक उक्त दिनांक तक संबंधित प्रमाण पत्र अर्जित कर चुका है, ऐसे अभ्यर्थी अपने बोनस अंक संबंधी दस्तावेज दिनांक 21/12/2021 साय 5 बजे तक 35 मूल दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 29/8/2021 तक GRF, NET और SET और MPhil की योग्यता प्राप्त कर ली है, वे अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विषयवार अस्थायी वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को शीघ्र ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे। तो यहाँ पर कुल 16 विषयों में जो अभ्यर्थी हैं उनके अस्थायी जो सूची है वो जारी की गई है। RET 2021 ABST टोटल सीट है 2 और रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। 3 गुना जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। टोटल मार्क्स विद बोनस, RET 2021 EFM टोटल सीट है 2, 3 गुना अभ्यर्थियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। RET 2021 हिंदी,
टोटल सीट है 16 है। इंग्लिश टोटल सीट है 4। संस्कृत टोटल सीट है 2। लो टोटल सीट है 4। फिजिकल एजुकेशन टोटल सीट है 4। बॉटनी टोटल सीट है 2। केमिस्ट्री नो कैंडिडेट अवेलेबल एससी एंड एसटी कैटेगरी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। जूलॉजी टोटल सीट है 14 है। मैथमेटिक्स यहाँ पर भी एसटी का केवल एक स्टूडेंट अवेलेबल है। जियोग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी यहाँ पर भी एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस के और एमबीसी के भी कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस टोटल सीट है 22। तो यहाँ पर 3 गुना जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है दस्तावेज सत्यापन हेतु। दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से जो डेट है वो जारी की जाएगी। यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं। मेरिट का जो निर्धारण किया गया है लिखित परीक्षा प्लस बोनस अंक, जिसमें जेआरएफ नेट सेट और एमफिल के आधार पर दोनों को मिलाकर यहाँ पर वरीयता सूची तैयार की गई है। 3 गुना अभ्यर्थियों की जो वरीयता सूची है जारी की गई है। अंतिम जो चयन की जो सूची है वो जल्द ही जारी की जाएगी दस्तावेज सत्यापन के उपरांत। इस सूची में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की आपत्ति है तो वे 21/12/2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विषयवार अस्थायी वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को शीघ्र ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इस वेबसाइट पर पहुंचकर इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी होता है इस चैनल के माध्यम से आपको इसके संदर्भ में भी सूचित किया जाएगा। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद जय भारत।